का माहौल चल रहा है, यदि आप घर पर बैठ करके यदि मोदी को इसलिए कोसते हैं और मोदी को इसलिए हराना चाहते हैं कि SC ST का जो आरक्षण था वो ख़त्म कर दे रहा है, यदि आप SC ST हैं इसलिए हराना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनवा रहा है, अभी आप देखें कि किस प्रकार से लोगों को ना विपक्ष लोगों को समझाते समझाते आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन उनके भेजे में बात नहीं घुसने वाली है। लोग सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि सरकार राम मंदिर बनवा करके दे रही है, लेकिन इस चीज़ को आप सोचिए कि जब फैसला आया था तो मुसलमानों को भी ज़मीन दिया गया था और हिंदू को वहाँ तो मिल ही गए कि वहाँ पर आप मंदिर बनाइए, और जैसे ही बात चला कि अयोध्या में अब राम मंदिर बनेगा तो लोगों ने भर भर करके चंदा किया और सरकार का एक रुपया भी वहाँ पर नहीं लगा। लेकिन आप सोचिए आज इतना भव्य मंदिर बन गया और वहाँ पर पर्यटक जाते हैं तो वहाँ से टैक्स सरकार ले रही है, ऐसा नहीं है कि बिना टैक्स के वहाँ पर लोग जाते हैं, तो सोचिए कि वहाँ से जो टैक्स आता है उसमें सरकार को जाती है, उस टैक्स के पैसे से सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करते हैं, उस पैसे को मुसलमानों के कल्याण के लिए, मुसलमानों की उन्नति के लिए, मुसलमानों की प्रोन्नति के लिए भी पैसा लगा रहे हैं। लेकिन आज जो देश में चमचे हैं ना, उन लोगों को ये सब चीज़ नहीं दिखेगी क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे व्यक्तियों के चोला ओढ़ चुके हैं ना जो कि हमेशा से हिंदुओं का विरोध करते रहे हैं, RSS का विरोध करते रहे हैं। अब सोचिए कि BJP तो भले एक पार्टी है जो कि अलग अलग तरीके से आप उसे गलत बोल सकते हैं, उसको घेर सकते हैं, लेकिन ऐसे चूतिए लोग हैं ना जो RSS को घेरते हैं और BJP के साथ कंपेयर करके बोलते हैं कि RSS भी देश विरोधी कार्य कर रहा है, RSS भी ऐसा गलत काम कर रहा है। लेकिन आप इतिहास उठा करके देखें कि RSS ने कभी भी देश विरोधी बातें नहीं की और जहाँ पर भी देश को ज़रूरत होती है, लोगों को जब किसी प्रकार से आपदा पड़ती है लोगों पर, तो वहाँ सबसे पहले सरकार से भी पहले पहुँचता RSS। लेकिन जो देश में बहुत सारे चमचे हैं ना, वो लोग हमेशा से RSS को भी गलत बोलते रहते हैं और इस चीज़ को कभी नहीं देखते कि किस प्रकार से RSS देश के लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करता है।